हेलो वेलकम टू TNT। इस वीडियो में जानते हैं 21 नवंबर का इतिहास और कुछ प्रमुख जन्मदिन भी। यदि आपका भी आज जन्मदिन है तो करेंगे वो भी सेलिब्रेट, तो आइए तमाशा देखते हैं। 21 नवंबर 1813 नीदरलैंड में एक स्वतंत्र सरकार बहाल हुई, यानी स्वतंत्र सरकार बनी 21 नवंबर 1813 को। 21 नवंबर 1867 लक्समबर्ग को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, किंतु इसके बाद भी यह देश हॉलैंड से जुड़ा रहा 21 नवंबर 1876 को। 21 नवंबर 1871 न्यूयॉर्क के मोसेस एल गेल ने सिगार लाइटर का पेटेंट कराया 21 नवंबर 1871 को। 21 नवंबर 1877 अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने दुनिया के सामने पहला फोनोग्राफ पेश किया 21 नवंबर 1877 को। 21 नवंबर 1947 आज़ादी के बाद देश में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया 21 नवंबर 1947 को। 21 नवंबर 1986 मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने संविधान को अंगीकार किया, यानी संविधान को अपनाया 21 नवंबर 1986 को। 21 नवंबर 1990 ब्रिटिश संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार कैमरे लगाए गए 21 नवंबर 1989 को। 21 नवंबर सन 2002 बुल्गारिया, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, रोमानिया को नाटो ने संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण दिया 21 नवंबर 2002 को। 21 नवंबर सन 2005 श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने रत्नश्री विक्रमानायके को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया 21 नवंबर 2005 को। 21 नवंबर सन 2010 37वें अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड लेडी गागा और जस्टिन बीबर को दिया गया 21 नवंबर 2010 को। अब जानते हैं 21 नवंबर के कुछ जन्मदिनों के बारे में। 21 नवंबर 1987 भारतीय अभिनेत्री नेहा शर्मा का जन्म हुआ। 1938 भारतीय अभिनेत्री हेलन का भी जन्म हुआ और 1926 भारतीय अभिनेता प्रेमनाथ का भी जन्म हुआ और 1987 भारतीय अभिनेत्री आरती छबाड़िया का भी जन्म हुआ। इन सबको इनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज के दिन अगर आपका भी जन्मदिन है तो आपको भी आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहो, दूसरों को खुश रखो। लक, हैप्पीनेस, लव, सक्सेस, हेल्थ और स्ट्रेंथ आपके जीवन में हमेशा संतुलित बरकरार रहे। 21 नवंबर को जन्मे हुए लोग राशि वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट के होते हैं, बहुत आत्मनिर्भर होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं, यानी शक्तिशाली होते हैं और साथ में बहुत डोमिनेंट भी होते हैं। ज़रूरी नहीं आपकी राशि भी यही हो, आपकी राशि कुछ और भी हो सकती है आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग, तो आप चेक करवा लें। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में इतना ही। आप जानना चाहते अगर और भी दिनों का इतिहास तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगी सारी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगन और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।